अब यहाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड का हम स्वाध्याय करेंगे। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो है भाषा टीका किसे कहा? टोडरमल जी साहब की बहुत इच्छा थी कि जन जन इस विषय को समझे, बहुत उनकी भावना थी। देखो ये गोमरसार ग्रंथ की टीकाकार जो ये जो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद आचार्य जो है, सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहा? हाँ शरद भाई पता है सिद्धांत चक्रवर्ती तो हमने पता है, हमें कितने चक्रवर्ती हुए? 12 हुए। चक्रवर्ती क्यों कहा? 6 खंडों को जीत लिया तो इनको चक्रवर्ती क्यों कहा? सिद्धांत के चक्रवर्ती। सिद्धांत किसको कहते हैं? जो षट खंडागम है, मूल जो हमारे दर्शन आचार्य ने 2 शिष्यों को पढ़ाकर भूतबली और पुष्पदंत, उन्होंने जो रचना की है पहले श्रुत स्कंध, उसका नाम है षट खंडागम। 6 खंड है उसके, तो 6 खंडों का जो विशारद है, वो विशेषज्ञ है, उस पर अभ्यास किया है, उनको कहते हैं सिद्धांत चक्रवर्ती। तो ऐसे जो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र आचार्य कर्णानुयोग के बहुत ज्ञानी थे। चामुंड राय का नाम सुना है? क्या किया उन्होंने? उतना ही हमें पता है उससे भी बहुत बड़ा महान कार्य किया है, वो तो महान है ही है। क्या किया? तो उन्होंने आचार्य, क्योंकि वो तत्वज्ञानी थे, बहुत अभ्यासु थे, आचार्य श्री को प्रश्न किया, ये तो नाम कर्म के जो बंध में जो जीव पद होते हैं अलग अलग, उसका जरा मुझे स्वरूप बताइए। उन्होंने तो अपने लिए प्रश्न पूछा था, हमें तो पता ही नहीं नाम कर्म क्या है और जीव पद क्या होते, सीखेंगे हम? तो उन्हें तो करुणा आई, आचार्यों की विशेषता है वीतरागी संत है, तो कोई जिज्ञासु जीव सामने है तो करुणा बुद्धि से तो उपदेश देते हैं। तो उन्होंने गोमरसार ग्रंथ की रचना की, जीव कांड कर्म कांड लब्धिसार आदि सभी ग्रंथों की उन्होंने रचना की। चामुंड राय भी तत्वज्ञानी थे, कर्नाटक भाषा में उन्होंने टीका लिखी उस मूल गोमरसार पर। वो कर्नाटक टीका पढ़कर सुनकर केशववर्णी नाम के हो गए कोई ब्रह्मचारी, उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी, लिपि थी कन्नड़ लिपि में संस्कृत टीका लिखी। अब ये टोडरमल जी तो जयपुर निवासी, उन्हें कन्नड़ भाषा कैसे जानते थे पता नहीं है, फिर भी उन्होंने उस कन्नड़ लिपि से संस्कृत का ज्ञान की। उसमें तो केवल संस्कृत ही नहीं, अत्यंत कठिन ऐसा गणित भी है उसमें, उसका अभ्यास करके उन्हें देश भाषा यानी ढूंढारी भाषा उस समय की, टोडरमल जी साहब के समय की जो ढूंढारी भाषा है, उस भाषा में उन्होंने इसकी रचना की है। लोग डरते थे गणित से, एक तो संस्कृत नहीं आती थी तो संस्कृत से डरते थे, तो उन्होंने देश भाषा में उसकी रचना की। गणित से डर लगता था तो उसमें से गणित को अलग अलग उन्होंने निकाल बाहर नहीं किया, उसकी अलग से संदृष्टि अधिकार नामक ग्रंथ रचना की, और उसमें से जो कोई सरल भाग है गणित का वो उदाहरण के तौर पर वहाँ वैसा ही रखा। तो पंडित जी का तो कहना है कि कर्णानुयोग स्वयं अभ्यास करो, जितना हो उतना करो। जीव कहते हमको समझ में नहीं आती, जितना समझ में आओ उतना करो। टीवी सीरियल देख के कभी ऐसा नहीं लगता हम बीच में ही देखेंगे तो क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, दूसरी भाषा में कोई हो गए तो हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ तो रुचिपूर्वक सुनते भी और समझते हैं। आपके हिंदी भाषिक के बच्चे हिंदी कैसे सीखते हैं और गुजरातियों के बच्चे गुजराती सीखते हैं? कितने साल में सीखते हैं? बचपन से ही सीखते हैं। और मद्रासी बच्चे कौन सिखाता है? अरे हम उनसे जिस भाषा में पढ़ते बोलते हैं वो भाषा सीख जाते हैं बच्चे के। हम कौन सा महीना भर का भी हॉस्पिटल से घर आया, महीने भर के अंदर ही क्या सुनाना चालू करते उसको, उसके बारात तक ले आते, किसको बुलाना क्या करना, हाँ वो बच्चे के साथ बातें करते रहते हैं और बच्चा अपनी भाषा सीख जाता है। पर कर्णानुयोग हम सुनना ही नहीं चाहते हैं तो हम समझेंगे कैसे? जो भाषा हम सुनते हैं वो हमें आत्मसात हो जाती है, कोई बात नहीं, पहली बार सुना तो लगता है जरा अटपटा है। ये हमारे आज के छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर बैठ के क्या क्या करते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे, एक अक्षर दबाए फिर दूसरा अक्षर कहाँ हम ढूंढते हैं। हाँ
तो हम जिस बातों को बार बार सुनते हैं, समझते हैं, वो हम जरूर जान सकते हैं। उसमें कोई ऐसी भावना मत रखना मन में कि ये बात मैं नहीं समझूंगा। टोडरमल जी साहब ने स्वयं लिखा है कि जन जन इसको समझे, जब मैं उन्हीं की भाषा में बोलूंगी आपको।